हेलो दोस्तों, मैं सुनील विश्वकर्मा आज फिर से करंट अफेयर का वीडियो लेकर आपके सामने आया हूं, जो दिसंबर मंथ का पार्ट फोर वीडियो है। दोस्तों, इस वीडियो को प्रश्न बताने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, जो कि टाइम टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलते हैं दोस्तों प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, तो पहला प्रश्न है किस संस्था ने क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन इंडिया कूलिंग सेक्टर शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। तो किसने की है दोस्तों, तो किया गया है विश्व बैंक के द्वारा किया गया है। ठीक है दोस्तों, किसके द्वारा किया गया है, विश्व बैंक के द्वारा किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है किस देश में जीवाणु संक्रमण स्ट्रेप ए से बच्चे की मृत्यु दर्ज की गई है। तो किस देश में की गई दोस्तों, तो किया गया है यूनाइटेड किंगडम में। यूनाइटेड किंगडम में जो है जीवाणु संक्रमण स्ट्रेप ए से बच्चों की मृत्यु दर्ज की गई है। इसका डिटेल देखते हैं दोस्तों, इसका डिटेल क्या बता रहा है, इसका डिटेल है कि यूनाइटेड किंगडम में एक समान जीवाणु संक्रमण स्ट्रेप ए से कम 6 बच्चों की क्या है मौत हो गई है। ठीक है दोस्तों, जब बैक्टीरिया क्या करता है रक्त प्रवाह में प्रवेश करते हैं, रक्त प्रवाह में प्रवेश करते हैं तो संक्रमण गंभीर हो सकता है और इसे इन्वेंसिव ग्रुप ए स्ट्रेप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इन्वेंसिव ग्रुप ए स्ट्रेप कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है किस संस्था ने प्रिवेंटिंग इंजरीज एंड वायलेंस एंड ओवरव्यू शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। तो किसने की है दोस्तों, तो किया गया है WHO के द्वारा। WHO के द्वारा जो है प्रिवेंटिंग इंजरीज एंड वायलेंस एंड ओवरव्यू शीर्षक से रिपोर्ट जारी की गई है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है हाल ही में खबरों में रहा तुंगारेश्वर वन जीव अभ्यारण किस राज्य में स्थित है। तो किस राज्य में स्थित है दोस्तों, तो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो है तुंगारेश्वर वन जीव अभ्यारण्य स्थित है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है आर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत का रैंक क्या है। तो भारत का रैंक क्या है दोस्तों, वह है 87 रैंक है। क्या है, 87 रैंक है किसमें, आर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में। ठीक है दोस्तों, चलते हैं दोस्तों इसका डिटेल देखते हैं, इसका डिटेल क्या बता रहे हैं, इसका डिटेल है कि पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में आर्टन कैपिटल द्वारा प्रकाशित दुनिया की सबसे क्या है, दुनिया की सबसे मजबूत और सबसे कमज़ोर पासपोर्ट की रैंकिंग में है। ठीक है, दुनिया की सबसे मजबूत पासपोर्ट की सूची में भारत जो है 87वें स्थान पर है, जबकि UAE पहले स्थान पे, उसके बाद जर्मनी, स्वीडन, फिनलैंड, लग्जमबर्ग, स्पेन, फ्रांस का स्थान है। ठीक है दोस्तों, जबकि अफगानिस्तान अंतिम स्थान पर रहा है और पाकिस्तान जो है 94वें स्थान पर है। ठीक है दोस्तों, तो भारत का रैंकिंग क्या है, 87 है। दोस्तों जितने भी प्रश्न बता रहे हैं सभी प्रश्न जो है एग्जाम के पर्पज़ से भी दिया है, तो वीडियो का स्किप ना करें, वीडियो पूरा देखें। अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक ने किस देश के मौद्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो कौन सा है दोस्तों, वह है मालदीव। मालदीव के साथ में जो है भारतीय रिजर्व बैंक ने मौद्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है दीना बोलुआर्टे को हाल ही में किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। तो किस देश की राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है दोस्तों, वह है पेरू। पेरू के राष्ट्रपति के रूप में दीना बोलुआर्टे को चुना गया है, जो पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है पेरू की। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है कौन सा केंद्रीय मंत्रालय बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला जमानत ब्रांड बीमा उत्पाद लॉन्च करने जा रही है। तो कौन है दोस्तों, वो है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला जमानत ब्रांड बीमा उत्पाद लॉन्च करने जा रही है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है किस संस्था ने चेन्नई मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए $780 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। तो किसने दी है दोस्तों, तो दिया गया है ADB के द्वारा। ADB के द्वारा जो है
चेन्नई मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए 780 मिलियन डॉलर को ऋण की मंजूरी दी गई है। दोस्तों इसका डिटेल देखते हैं। इसका डिटेल है एशियाई विकास बैंक, एडीबी का फुल फॉर्म होता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं, और ऐसे एशियाई विकास बैंक बोलते हैं, ठीक है दोस्तों, ने चेन्नई की मेट्रो रेल के लिए नई लाइनें बनाने और बस और फीडर सेवाओं के साथ नेटवर्क की कनेक्टिविटी में सुधार के लिए 780 मिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्त पोषण की मंजूरी दी है। इस परियोजना में 10.1 किलोमीटर एलिवेटेड सेक्शन, 9 मेट्रो स्टेशन और 10 किलोमीटर अंडरग्राउंड सेक्शन आदि का निर्माण होगा, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का मेजबान है? तो कौन है दोस्तों, वह है गोवा। गोवा राज्य जो है 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का मेजबान है, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, सुखविंदर सिंह सुखबू ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है दोस्तों, तो वह है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में सुखविंदर सिंह सुखबू ने शपथ ली है, ठीक है दोस्तों। इसका डिटेल देखते हैं। इसका डिटेल है कि सुखविंदर सिंह सुखबू ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। वह 4 बार के विधायक और कांग्रेस के मुख्य चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष थे। मुकेश अग्निहोत्री को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। किसको? मुकेश अग्निहोत्री को, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, कौन सा शहर G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप बैठक का मेजबान है? तो कौन सा शहर है दोस्तों, तो वह है मुंबई। मुंबई शहर जो है G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप का बैठक मेजबानी करेगा, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, मेजर ट्रॉपिस पोलिटा जिसे IUCN रेड लिस्ट में जोड़ा गया है, किस प्रजाति से संबंधित है? तो किस प्रजाति से संबंधित है दोस्तों, तो वह औषधीय पौधे हैं। ये क्या है? औषधीय पौधे हैं, जिसका नाम है मेजर ट्रॉपिस पोलिटा, ठीक है दोस्तों। इसका डिटेल क्या है, इसका डिटेल बताते हैं आपको। प्रदेश में पाए जाने वाली 3 औषधीय पौधे की प्रजातियों को संकटग्रस्त प्रजातियों की IUCN लाल सूची में जोड़ा गया है, ठीक है दोस्तों। मेजोट्रोपिस पोलिटा, जिसे आमतौर पर पटवा के रूप में जाना जाता है, और उत्तराखंड के लिए स्थानिक है। क्या है? उत्तराखंड के लिए स्थानिक है। को गंभीर रूप से लुप्त प्राय फ्रिटिलोरिया सिरोसा को कमजोर, और डैक्टाइलोरिया हस्तागिरिया को लुप्त प्राय के रूप में मूल्यांकित किया गया है, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, विश्व मृदा दिवस 2022 की थीम क्या है? तो क्या है दोस्तों, तो वह थीम है सॉइल वेयर फूड विंग्स जो है विश्व मृदा दिवस 2022 की थीम रखी गई है, ठीक है दोस्तों। इसका डिटेल है, स्वस्थ मिट्टी के महत्व पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मिट्टी के संसाधनों के सतत प्रबंधन की वकालत करने के लिए प्रतिवर्ष 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। इस वर्ष विश्व मृदा दिवस की थीम क्या थी? जहां भोजन शुरू होता है, ठीक है दोस्तों। यह जो है इसकी थीम रखी गई थी, ठीक है दोस्तों। तो इस टाइप का जो थीम आता है, आप थीम याद रखें, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है ये पूछने के चांस 100% मतलब कि 90% इसका जो चांस रहता है कि एग्ज़ाम में आए, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल फॉर्म कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है दोस्तों, वह है केरल में स्थित है, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल फॉर्म, ठीक है दोस्तों। इसका डिटेल है, केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन है, ठीक है दोस्तों, ने केरल के आलुवा में स्थित एक बीज फॉर्म को देश का पहला कार्बन न्यूट्रल फॉर्म घोषित किया है। कार्बन उत्सर्जन में कमी से
कृषि विभाग के तहत इस बीज फार्म को कार्बन तटस्थ स्थित प्राप्त करने में मदद मिली है। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न। दोस्तों जितने प्रश्न बता रहे हैं सभी प्रश्न भी आए हैं, तो वीडियो का स्किप ना करें, वीडियो आप पूरा देखें। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में नवंबर के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित खुदरा मुद्रास्फीति क्या है? तो क्या है दोस्तों, तो वह है 5.88% है। ठीक है दोस्तों, क्या है 5.88% है। अगला प्रश्न दोस्तों, 2022 हुरुन ग्लोबल लिस्ट में भारत का कौन सा स्थान है? तो हुरुन ग्लोबल लिस्ट में भारत का जो स्थान है वो 5वां स्थान है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्था का उद्घाटन किया है? तो कहाँ किया है दोस्तों, तो किया गया है गोवा राज्य में। गोवा राज्य में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का उद्घाटन किया गया है। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, तो आप इसको नोट डाउन जरूर करते चलें अपने कॉपी में। किस भारतीय क्रिकेटर ने एक दिवसीय पारी में सबसे तेज 200 रन बनाने वाले क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ा है? तो किसने तोड़ा है दोस्तों, तो तोड़ा गया है ईशान किशन के द्वारा। ईशान किशन ने जो है बहुत ही कम गेंदों में जो है 200 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है दोस्तों, इसका डिटेल बताते हैं आपको, डिटेल क्या है। युवा भारतीय क्रिकेट ईशान किशन ने बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के तीसरे और आखिरी वनडे मैच में कई रिकॉर्ड बनाए। ठीक है, एक वनडे में दोहरा शतक बनाने वाले दुनिया के 7वें और सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा और वीरेंद्र सहवाग के बाद भारत के चौथे बल्लेबाज बन गए हैं। ठीक है, उन्होंने 126 गेंदों में दोहरा शतक जड़ा। ईशान ने एक वनडे पारी में सबसे तेज 200 रन बनाने वाले क्रिस गेल का भी रिकॉर्ड तोड़ा है। ठीक है दोस्तों, तो ईशान किशन जो है भारत के जो है एक चौथे बल्लेबाज बन गए हैं, जो 200 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस संस्था ने इंटरनेशनल डेप्ट रिपोर्ट 2022 जारी किया है? तो किसने की है दोस्तों, तो किया गया है विश्व बैंक के द्वारा जो है इंटरनेशनल डेप्ट रिपोर्ट 2022 जारी की गई है। अगला प्रश्न दोस्तों, किस देश ने ऐतिहासिक परमाणु संलयन सफलता की घोषणा की है? तो किसने की है दोस्तों, तो है अमेरिका ने। अमेरिका देश ने जो है ऐतिहासिक परमाणु संलयन सफलता की घोषणा की है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम जिसने हाल ही में अपनी सिफारिशों का पहला सेट भेजा है, वे प्रमुख कौन है? तो उसके प्रमुख कौन है दोस्तों, प्रमुख है डी वाई चंद्रचूड़ जो है सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में जो अभी सिफारिश का पहला सेट भेजे हैं, जिसके प्रमुख जो बनाए गए हैं डी वाई चंद्रचूड़ को। ठीक है, इसका डिटेल बताते हैं आपको। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के शीर्ष अदालत के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय के 5 न्यायाधीशों की सिफारिश की है। यह कॉलेजियम की सिफारिशों का पहला सेट, जिसमें जस्टिस दीपांकर दत्ता को सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर नियुक्त करने की सिफारिश भी शामिल है। ठीक है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने झारखंड, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख और गुवाहाटी के उच्च न्यायालयों के लिए मुख्य न्यायाधीशों के रूप में उच्च न्यायालय के 3 न्यायाधीशों को पदोन्नति की भी सिफारिश की है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने सभी परिवारों के लिए एक विशिष्ट अल्फा न्यूमेरिक पहचान संख्या शुरू करने का प्रस्ताव रखा है? तो किसने रखा है दोस्तों, वह है जम्मू और कश्मीर ने जो है सभी परिवारों के लिए एक विशिष्ट अल्फा न्यूमेरिक पहचान संख्या शुरू करने का प्रस्ताव दिया है। अगला प्रश्न दोस्तों, किस संस्था ने इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब लॉन्च किया है? तो किसने किया है दोस्तों, तो G7 ने। G7 के द्वारा जो है इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब लॉन्च किया गया है।
इसका डिटेल है दोस्तों, इसका डिटेल क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ लड़ाई में सहयोग करने के लिए सात अर्थव्यवस्थाओं के समूह ने देशों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय जलवायु क्लब बनाया है। यह क्लब जो है ऊर्जा के स्वच्छ रूपों से औद्योगिक संक्रमण में तेजी लाने और उत्सर्जन में कमी के उपायों को और विकसित करने में मदद करने के लिए काम करेगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस राज्य ने हाल ही में राज्यपाल को राज्य के विश्वविद्यालय के कुलपति के पद से हटाने के लिए एक विधेयक पारित किया है? तो किसने किया है दोस्तों, वह है केरल राज्य ने। केरल राज्य ने जो है राज्यपाल को राज्य के विश्वविद्यालय कुलपतियों के पद से हटाने के लिए एक विधेयक पारित किया है। ठीक है दोस्तों, इसका डिटेल है, केरल विधानसभा ने हाल ही में राज्यपाल के राज्य के 14 विश्वविद्यालय को पदेन चांसलर के पद से हटाने के लिए एक विधेयक पारित किया है। सरकार ने इन विश्वविद्यालयों में प्रशासन और नियुक्तियों पर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के साथ बार बार विवाद के बाद विधानसभा में विश्वविद्यालय कानून विधेयक पेश किया है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, इंडिया वाटर इंपैक्ट समिट का मेजबान कौन सा शहर है? कौन सा शहर है दोस्तों, तो वह नई दिल्ली है। नई दिल्ली जो है इंडिया वाटर इंपैक्ट समिट का मेजबान शहर है। ठीक है दोस्तों, इसका डिटेल है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नई दिल्ली में इंडिया वाटर इंपैक्ट समिट के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया। इस वर्ष के शिखर सम्मेलन की थीम थी रिस्टोरेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ अ स्मॉल रिवर इन ए लार्ज बेसिन। ठीक है दोस्तों, इसका जो है थीम थी ए रिस्टोरेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ अ स्मॉल रिवर इन लार्ज बेसिन। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम विकसित करने के लिए कृषि मंत्रालय ने किस विभाग के साथ भागीदारी की है? तो किसके साथ की है दोस्तों, तो वह अंतरिक्ष विभाग के द्वारा है। अंतरिक्ष विभाग के साथ में जो है कृषि मंत्रालय ने भागीदारी की है। किसके लिए? कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम विकसित करने के लिए। ठीक है दोस्तों इसका डिटेल देखते हैं। इसका डिटेल है, कृषि मंत्रालय और अंतरिक्ष विभाग ने उपग्रह डेटा का उपयोग करके कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह अंतरिक्ष विभाग के रिसेट 1A और वेदांश का उपयोग करने वाली पहली निर्णय समर्थन प्रणाली है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने किस राज्य में 10 जिला अदालत डिजिटलीकरण हब का उद्घाटन किया है? तो किस राज्य में दोस्तों, तो यह है उड़ीसा राज्य में जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने उड़ीसा में जो है 10 जिला अदालत डिजिटलीकरण हब का उद्घाटन किया है। ठीक है दोस्तों, भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने वर्चुअली उड़ीसा में 10 जिला अदालत डिजिटलीकरण हब का उद्घाटन किया है। इसके साथ सभी 30 जिला अदालतों को कवर करते हुए राज्य में कुल 15 DCDH काम कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, शुरुआत में कटक, गंजाम, सबलपुर और बालासोर में प्रायोगिक आधार पर 4 न्यायालय डिजिटीकरण केंद्र स्थापित किए गए थे। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, समावेशी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए Airbnb ने किस राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो कौन है दोस्तों, वह गोवा के साथ में जो है समावेशी पर्यटन को बढ़ाने के लिए जो है Airbnb ने गोवा राज्य सरकार के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है दोस्तों, इसका डिटेल है, Airbnb ने हाल ही में
समावेशी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गोवा पर्यटन विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक दोस्तों, गोवा का विशाल सांस्कृतिक विविधता के सप्ताह भर चलने वाले उत्सव रिडिस्कवर गोवा के आधिकारिक लॉन्च के मौके पर इस समझौते पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, बेपोर ओरू किस राज्य का प्रमुख उत्पाद है? तो किस राज्य का है दोस्तों, वह केरल का है। केरल का जो है बेपोर ओरू जो है केरल राज्य का प्रमुख उत्पाद है। ठीक है दोस्तों, आज का इस वीडियो का प्रश्न यहीं पर समाप्त करते हैं। दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, जो कि टाइम टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद दोस्तों।